गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम। टुडे वी विल लर्न अबाउट क्लास थर्ड सब्जेक्ट जीके, लेसन नंबर 20। नेम इज व्हाट आर दीज मेड ऑफ। व्हाट मीन्स क्या, आर मीन्स हैं, दीज मीन्स ये, मेड मीन्स बनी हुई, ऑफ मीन्स की। ये जो वस्तुएं दी गई हैं ये किनसे मिलकर बनी होती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। दीज आर पिक्चर्स ऑफ सम थिंग्स। ये कुछ वस्तुओं के चित्र हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू टेल व्हाट ईच इज मेड ऑफ। हमें करेक्ट ऑप्शन, सब सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है जो हमें बताते हैं कि ये किससे मिलकर बने हैं। ठीक है, नंबर वन, बैंगल्स। बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ। दीज बैंगल्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड। ये जो चूड़ियाँ हैं ये सोने की बनी हुई चूड़ियाँ हैं। नंबर टू, स्टैचू। दिस इज अ स्टैचू इज मेड अप ऑफ स्टोन। यह जो मूर्ति है यह पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। नंबर थ्री, बेंच। बेंच इज मेड अप ऑफ वुड। यह बेंच लकड़ी से बना हुआ बेंच है। नंबर फोर, सॉस बोट। दिस इज सॉस बोट इज मेड अप ऑफ स्टील। यह जो सॉस बोट है यह स्टील से बना हुआ है। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस पॉट का उपयोग प्राचीन समय में राजा महाराजा अपने खाने की वस्तुओं को रखने और परोसने के काम में लाते थे। ओके, और यह स्टील से बना हुआ सॉस बोट है। नंबर फाइव, इरेजर। इरेजर जिसे आप अपने कॉपी में रब करने के काम लाते हैं, उसे मिटाने के काम में लाते हैं। रब, इरेजर इज मेड अप ऑफ रबर, रबर प्लांट। ओके, नाउ लास्ट नंबर सिक्स, सैक। सैक मीन्स बोरी। द सैक इज मेड अप ऑफ जूट। यह जो सैक है, थैला है, यह जूट से मिलकर बना होता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू लिसन बी केयरफुली एंड अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड आई होप यू विल लर्न दिस चैप्टर एट योर होम। थैंक यू।